नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा पुराना किला। और यह किला भारत के सबसे प्राचीन किलों में से भी एक माना जाता है। और यही वजह है कि इस किले को जितना लगभग हर राजा का एक सपना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराना किले के इतिहास के बारे में भी दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये पूरी ऐतिहासिक किला दिखाते हैं और किले के अंदर देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। किला आज के डेट के में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है और उन्हीं के देखरेख में यह पूरा किला है। किले के बाहर ही आप देख सकते हैं एक मैप भी दिया गया है इस पूरे किले का, कौन सा जगह कहां पर पड़ता है। तो आप इस मैप के माध्यम से भी किले को अंदर जाकर आसानी से आप घूम सकते हैं। तो चलिए आपको यह ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा दरवाजा है और इसी दरवाजा से अंदर किले के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो चलिए हम भी चलते हैं। इस किले का निर्माण सबसे पहले मुगल बादशाह हुमायूं ने करवाया था और बाद में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया दिया था तो उसके बाद शेरशाह सूरी ने भी यहां पर बहुत सारे किले का निर्माण उन्होंने करवाया। तो किले के फाउंडर ये दोनों बादशाह हैं। तो चलिए आपको यह ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी ज़माने का ही आज भी ये दरवाज़ा पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पिछले 400-500 सालों से ये अपने मजबूती के साथ ये खड़ा है। तो बहुत हद तक इस किले का संरक्षण किया जा रहा है और यही वजह है कि इसका बहुत सारा हिस्सा जो है अभी भी बचा हुआ है। पहले लोग इतने बड़े बड़े गेट इसलिए बनाते थे ताकि उनके हाथी घोड़ा भी आसानी से आ जाया करें। और यही वजह है कि उस ज़माने में जो भी राजा महाराजा किला वगैरह बनाते थे तो उनका बनाने के पीछे इतना बड़ा बड़ा दरवाज़ा यही कारण था। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले इंद्रप्रस्थ की नगरी थी जिसे पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था और उसी ढांचे पर इस पुराने किले का भी निर्माण किया गया था। हालांकि इस बात का दावा हम नहीं करते, लेकिन इतिहासकारों का मानना ऐसा है। और यहाँ पर खुदाई में भी बहुत सारी चीज़ें महाभारतकालीन मध्यकालीन से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर मिली थी। और किले के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसी किले के अंदर आपको एक शेरशाह सूरी का बनाया हुआ एक मस्जिद भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आपको ये ऐतिहासिक मस्जिद दिखाते हैं। बिहार के सासाराम से निकलकर दिल्ली के सल्तनत तक का सफ़र यूं ही तय नहीं किया था शेरशाह सूरी ने। बने अनेक लड़ाइयां उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ी और दिल्ली की गद्दी भी उन्होंने संभाली। तो जो शेरशाह सूरी थे हिंदुस्तान के इकलौते ऐसा मुस्लिम शासक थे जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई। और आप देख सकते हैं उन्हीं का बनाया हुआ यह दिल्ली में भी बहुत सारी आपको इमारत देखने को मिल जाएंगी। उन्हीं में से एक आपका ये एक मस्जिद है। हालांकि पुराना किला के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी चीज़ें हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। और ये लकड़ी का दरवाज़ा आज भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ है। हालांकि इसका रखरखाव भी काफ़ी अच्छे ढंग से किया जा रहा है। किला ये कुहना मस्जिद, और इस मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही कराया था। तो आइए आपको ये ऐतिहासिक मस्जिद दिखाते हैं। पुराना किला का इतिहास दोस्तों बहुत ही प्राचीन है और यही वजह है कि यहाँ पर खुदाई में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली थी। किले के अंदर ही एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर आप जो भी चीज़ें यहाँ पर खुदाई में मिली थी आप किले में जो संग्रहालय बना है उसमें जाकर आप देख सकते हैं।
ठीक मेरे सामने दोस्तों आप देख रहे हैं, यही है मस्जिद जो कि शेरशाह सूरी ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद का आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल है, जो कि सूरी वंश से ताल्लुक़ रखने वाले शेरशाह सूरी ने इस पर फारसी और भी बहुत सारे इस पर जो नक्काशियाँ की गई हैं, अनेक देशों से लोगों को, कारीगरों को बुलाए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना अपना काम किए। तो आप देख सकते हैं यह पूरी तरह से ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग करके इस मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो कि आज भी अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है यह मस्जिद। मस्जिद के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अरबिक और फारसी भाषा में कुछ लिखा गया है। हालांकि मेरे लिए बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस ज़माने में जो भी मुस्लिम राजा होते थे तो वो लोग अरबिक और फारसी भाषा जानते थे और उन्होंने कुछ न कुछ इनके दीवारों पर उन्होंने लिखवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को समझ सके कि इस मस्जिद का क्या इतिहास है, किस राजा ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये पूरी तरह से संगमरमर से इसका निर्माण कराया गया है। और आइए आपको बाहर चलते हैं और बाहर से चल के आपको किले के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। मस्जिद के अंदर का आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का है और कहते हैं कि उस ज़माने में चाहे मुग़ल बादशाह हो चाहे सूरी वंश से ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी राजा, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया था कला के क्षेत्र में। और उनसे जुड़ी चीज़ें, जो भी चीज़ें वो बनाते थे, किला हो चाहे घर द्वार हो, तो उनके दीवारों पर जो नक्काशियाँ की जाती थी वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल होती थी। मस्जिद से आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक शेर मंडल है। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण अपने मनोरंजन के लिए करवाया था, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इस शेर मंडल का निर्माण हुमायूं ने अपने पुस्तकालय रखने वगैरह के लिए करवाया था और इसी जगह पर हुमायूं की मौत भी सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी। तो आइए आपको ये शेर मंडल दिखाते हैं। शेर मंडल जो कि पूरी तरह से ये भी लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण कराया गया है और ये दो मंजिला है और इसी जगह पर मुग़ल बादशाह हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई थी। तो किले के अंदर आप आएंगे तो आपको शेर मंडल, मस्जिद और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। शेर मंडल से आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक हमाम है। हमाम का मतलब होता है स्नानागार, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी राजा वगैरह होते थे तो अपने नहाने धोने के लिए भी किले के अंदर ही व्यवस्था करते थे और उसका नाम देते थे हमाम। उनकी भाषा में अगर बोला जाए तो हमाम का मतलब स्नानागार ही होता है और आप देख सकते हैं ये स्नानागार भी पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इस किले के अंदर जिस ईंटों का प्रयोग किया गया है, आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो आप ना तो ये मुग़ल कालीन है और ना ही शेरशाह सूरी द्वारा ही बनाया गया है। तो यह बात सही है कि यहाँ पर पहले इंद्रप्रस्थ की नगरी थी और इसी इंद्रप्रस्थ की नगरी के ऊपर यह पुराना किले का भी निर्माण कराया गया था। सामने आप जो एक खंडहर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं हुमायूं दरवाज़ा और मुग़ल बादशाह हुमायूं ने अपने शासन काल में इस दरवाज़ा का निर्माण अपने आने जाने के लिए करवाया था और आज के डेट में ये जो दरवाज़ा है पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। हालांकि किले में एंट्री करने के लिए तीन दरवाज़ा है, लेकिन आप एक दरवाज़ा से ही किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, बाकी दो दरवाज़ों को गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो यही है हुमायूं दरवाज़ा, जो कि पूरी तरह से ये खंडहर हो चुका है और सुरक्षा की दृष्टि से इसको पूरी तरह से बंद भी कर दिया गया है। तो किले के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से आपको खंडहर ही मिलेंगे
और यही है हुमायूं दरवाजा। हुमायूं दरवाजा से आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आइए आपको वो बाउंड्री दिखाते हैं जो कि काफ़ी मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं। किले का जो ये बाउंड्री है आप देख सकते हैं लगभग 10 फुट चौड़ी ये बाउंड्री है, और उस ज़माने में अगर कोई अगर इस किले पर हमला भी करता था तोप या गोला बारूद से तो भी इस दीवार पर असर नहीं करता था, इतनी मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे ऐसे किला इसीलिए बनाए जाते थे ताकि दुश्मनों से ये पूरी तरह से महफूज रहे। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।